हेलो एवरीवन, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी और साथ में बेल्ट भी है, बेल्ट वाला ब्लाउज होगा और फ्रंट ओपन है ये ब्लाउज। और ये सबसे पहले हमने लाइनिंग बिछाई है, लाइनिंग हमारी कॉटन की है, फ्रंट ओपन है। ये देखिए, ये आगे से ओपन वाला है, मतलब ये हमारा फ्रंट कटने वाला है। और ये बैक है, बैक का जो हिस्सा है यहाँ से बंद है। और कभी भी देखिए, जब हम अपने लाइनिंग वाले पीस कटिंग करते हैं तो जो लाइनिंग बिछाते हैं उसको हमेशा इस तरीके से बिछाना चाहिए कि तार से तार मिल सके। कभी भी ऐसे टेढ़ा करके इस तरीके से ऐसे या ऐसे करके नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लाइनिंग ऐसी होती है कि उसको हमें चाहे ऐसे निकालना पड़े लेकिन तार से तार कोशिश कीजिए। ऐसे सामने ये, ताकि बिल्कुल भी कपड़ा कचरे ना आए। हम ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे थे, हमने सोचा कि आज आपको भी शेयर कर लेते हैं अपने साथ में और दोबारा से एक और ब्लाउज की कटिंग दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट की तरफ आइए। इसमें देखिए, फुल लेंथ 15 इंचेस का है ये। अपर ब्रेस्ट का साइज 39.5, ब्रेस्ट साइज 43 ब्रेस्ट साइज है और 39.5 हमारा अपर ब्रेस्ट है। अपर ब्रेस्ट बहुत ही ज्यादा मतलब गहरी है, साइज में भी काफी अंतर है, 3.5 इंची का इसके अंदर अंतर है अपर ब्रेस्ट में और ब्रेस्ट साइज में। वेस्ट हमारी 37 है, प्लेट हमारी 10 इंची पे है, नेक हमारा 7 इंचीस है और बैक हमारी 10.5 इंचीस है। आर्मोल देखिए 18 इंचीस है, आर्मोल इसका कम है साइज के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रेस्ट साइज हैवी है और आर्मोल कम है। तीरा फ्रंट से 12 इंचेस है और नॉर्मल जो है उनका 15.5 है, लेकिन हम जब हमारा गला डीप होता है तो हम इस वाले जो पूरा तीरा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, सामने वाले तीरे पे ध्यान देंगे। गला यदि डीप होता है तो हमारा तीरा कम हो जाता है। गले की जो गहराई 10.5 इंची है, तीरा हमारा कम होगा। देखिए अपर ब्रेस्ट में लूजिंग डलेगी और यदि गला बहुत डीप है तो ब्रेस्ट साइड में लूजिंग नहीं डलेगी। यदि हमारा गला डीप नहीं होता तो अपर ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट साइज में हमारी 1 या 1.5 इंची की लूजिंग जरूर डलती है यदि हम ब्लाउज को थोड़ा सा हल्का सा खींच के नापते लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे मेजरमेंट पे भी डिपेंड, तो हमारा 0.5 इंची ऊपर तीरे में जाएगा और यहाँ पे हमारी जो प्लेट डलती है उसमें भी 0.5 इंची हमारा यहाँ पे भी जरूर, जब हम मेजरमेंट लेते हैं प्लेट भरते हैं तो हमारा 1 इंची कम से कम हमारा प्लेटों में भी कवर होता है। और ऊपर से इसमें बेल्ट वाला भी है, तो इसलिए मैं आपको एक सीधे शब्दों में बता देती हूँ कि जब हमारी लंबाई 15 इंची होती है, बेल्ट वाला नहीं होता है, तो हम हमेशा 1 से 1.5 इंची प्लस करते हैं, 1 या 1.5 इंची जब हमारा बेल्ट वाला नहीं होगा। और यदि ब्लाउज हमारा बेल्ट वाला होगा तो आप 1.5 इंची मार्जिन नीचे लेने के बाद इसमें कम से कम 15 इंचेस में हमारे 2 इंचेस प्लस करके इसको 17 इंचेस का हमारा ब्लाउज तैयार होगा। तो ये हम अब इसको पूरा 17 इंचेस का हम अपना ब्लाउज यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ब्लाउज बिल्कुल भी छोटा नहीं होता है, पूरा ब्रेस्ट कवर करता है और पूरी बेल्ट भी सही आती है। तो देखिए, ये अब हम यहाँ पे 17 इंचेस लेंगे, ये हमने ले लिया 2 इंची प्लस करके। अब हमारा मेजरमेंट जो आर्मोल है वो है 18 इंचेस, तो 18 इंचेस के हिसाब से हम इसका जो मुड्ढा गिराएंगे, देखिए एक जो एवरेज मुड्ढा होता है वो हमारा कम से कम 7.5 या 7 इंची तक होता है, 6.5 भी होता है। ये और ये हमारा एक एवरेज जो मोस्टली साइज के अकॉर्डिंग जो मुड्ढे बनते हैं वो हमारे 7.5, 6.5, 7 यहीं पर हमारा मुड्ढा घूमता रहता है। लेकिन जब हमारा साइज के अकॉर्डिंग मुड्ढा थोड़ा सा भी कम होता है तो हम अपने साइज को मुड्ढे को कम लेते हैं। मुड्ढा अगर साइज के अकॉर्डिंग आर्मोल जो जिसे सॉरी आर्मोल बोलते हैं, आर्मोल यदि हमारा ब्रेस्ट साइज के हिसाब से बड़ा होता है
तो हम अपना 7 इंची की बजाय 7.5 भी लेंगे। मुड्ढा यदि साइज के ब्रेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यदि हमारा मुड्ढा छोटा होगा तो हम ऊपर को लेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा देखना होता है कि हमारा मुड्ढा साइज के अकॉर्डिंग है या नहीं। एक्चुअली इसका एक मेथड होता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा समझाने में, भी थोड़ा सा आइडिया निकालेंगे जब मैं स्लीव की कटिंग करूंगी, तब मैं आपको ये मुड्ढे का आइडिया निकाल के दिखाऊंगी एक शॉर्ट में कि हमें मुड्ढा हमारा छोटा ये सही है या हमारा मुड्ढा कम है। अभी हम फिलहाल में इसको जो हम अभी हम मुड्ढा गिराएंगे इनका 6.25 पे गिराएंगे। ये साइज के अकॉर्डिंग इनका मुड्ढा हल्का है इसीलिए मैंने इसको 6.25 लिया है, अदरवाइज जो जनरली मुड्ढा होता वो 7 इंचेस पे गिरता। अब हम इसके प्लेट पे आ जाते हैं, प्लेट इसकी 10 इंची पे गिरेगी तो 0.5 इंची प्लस करने के बाद 10.5। हमेशा स्केल से पहले जब हम जो जो हमारे जहां जहां पे निशान लगेंगे उसके स्केल से लाइन खींच लेनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने तीरे की तरफ। तीरा हमारा गला 10.5 इंची है, इसका हम तीरा कम ही लेके चलेंगे, इसकी कम से कम ब्रॉडिंग भी 3 इंची गले की लेंगे, तीरा भी हमें कम ही लेना है तो हम इसको टोटल 12 इंची ले लेते हैं। 12 का 11 भी लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन वो आंटी जी है मतलब थोड़ा एजिड है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कम तीरा नहीं ले रही क्योंकि साइज भी थोड़ा सा उनका हेल्दी है, फिर भी मैं थोड़ा सा और कम कर देती हूँ। अब उनका जो अपर ब्रेस्ट है उसमें हम लूजिंग डालेंगे क्योंकि यदि हम इसमें लूजिंग नहीं डालेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा ऐसे गुलाई बन जाएगी ऐसे करके, तो जो कि जब कस्टमर पहनेगा तो यहाँ से खींच पड़ेगी उनके, भले ही हम उसको कितना ही मुड्ढा सही बना ले पर इतनी गोलाई ऐसे नहीं दे सकते ऐसे करके, थोड़ी सी जरूर इसमें लूजिंग डालनी पड़ेगी। तो इसमें करीब करीब 39.5 इंची की अपर ब्रेस्ट है तो इसमें करीब हम 2 इंची की लूजिंग डालते हैं। तो ये देखिए अब हम 39.5 इंची में हम 2.5 इंची प्लस करेंगे तो कम से कम 39.5, 40, 41, 42 2 से 2.5 इंची की लूजिंग हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 2 इंची की लूजिंग डालते हैं 39.5, 40, 41, 41 इसके हिसाब से हमारा निशान लगा ये। लेकिन अभी हमारी जब ये प्लेट डलती है तो इसका भी मार्जिन हमें लेना होता है तो हमारा जो निशान लगा होगा वो ये लगा होगा, जब प्लेट डल जाएगी तो ये कुटका हमारा यहीं पर आएगा। अब इसका जो ब्रेस्ट साइज है वो है 43 के हिसाब से वहीं पे ये निशान आता है। जनरली हमें इसमें कोई गोलाई नहीं बनानी होती, इसको सीधा ये लूजिंग डालने के बाद पहले हमने ये लूजिंग डाली है और ये प्लेट का है हमारा, ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया और इसको ये निशान लगा दिया सीधा। अब पहले हम चलेंगे प्लेट की तरफ, हमारा साइज हैवी है तो हम इसे करीब 4 इंची पे लेंगे, ये हमारा 2 इंची इधर होगा और ये हमारा नेक्स्ट यहाँ वाली प्लेट होगी। तो इसका कुछ एक अंदाजा से लेके चलते हैं कि मतलब गोलाई सी बन जाए यहाँ से, तो ये वाला हमारा 2.5 इंची का ये हिसाब बना के अगर हम इसको बिल्कुल सीधा लगा देते हैं तो ज्यादा अंदर घुस इधर को ज्यादा घुस जाएगा, अदरवाइज यहाँ से हम इसको 2.5 इंची, 2.75 इंची, अभी हमने जो इसका साइज है इनका साइज प्लेट का थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा ना करके 2.5 इंची का हिसाब बनाया है। और ये हमारा कम से कम आधे से पौना इंची नीचे होना चाहिए ये। ये हमारा बहुत नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, करीब करीब एक अंदाजा होता है
3 इंची करीब ऊपर होना चाहिए। ये भी हमारा बहुत ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हल्का साइज का 1-1.5 इंची का डाउन होता है ये आया। इसको हमें ऐसे लाइन बनाई हमने, और ये देखिए ये हमारा जो मेन प्लेट का निशान है, मेन प्लेट से हमारा 1 इंची 1 इंची 1/4 इंची के करीब हमारा 1/4 इंची नीचे लेंगे। ये देखिए जब हम ऐसे बनाते हैं तो हमारी ये गोलाई बननी चाहिए। ये वाला, ये हमारा यहाँ पे सामना 12 इंची है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि हमारा 12 इंची है तो ये 12 फिक्स नहीं होगा, इसमें हमारा मार्जिन भी होगा। तो इसको थोड़ा सा और गहराई दे के हल्की सी, ये सामने की ये तीरे का ध्यान जरूर रखना होता है। ये जब कस्टमर पहनेगा तो ये बिल्कुल सामने ही आएगा, ये सामने की जो टीक पट्टी होती है तीरा ये वाला, इसका ध्यान रखना होता है हमें मेन, चाहे वो सूट हो चाहे वो ब्लाउज हो। ये हमने मार्जिन ले लिया, कंधी हम इसमें डाउन नहीं कर रहे क्योंकि गला बहुत डीप है। हमने 2 इंची प्लस किया था, सॉरी बेल्ट का नहीं बता पाया, बेल्ट का बता देते हैं। आप देखिए जब ये हमारा, पहले मैंने कटिंग कर दी, उससे पहले बेल्ट हमारी यहां से जो निशान होता है उसमें हमारा यहाँ से 2.5 इंची का हिसाब लगाना चाहिए। ये 2.5 इंची की लंबाई का निशान लगाया और इसको ये लाइन खींच दी। अब यहां से हमें ये 1.5 इंची करीब ऊपर उठाना है ये, और इसमें हमारी जो प्लेट पड़ेगी ये हम अपनी प्लेट डालेंगे, और इसको अब हम यहां से ऐसे उठाएंगे इसको, ये हमारी प्लेट लग गई, ये हमारा बिल्कुल सीधा होगा। जब हम इसे कटिंग करेंगे ये जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद और इसको हल्का सा डाउन करना है। ये हमारी जब बेल्ट, अब पूरी ये देखिए इतनी बड़ी हमारी बेल्ट ही होगी क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन भी हो गया। अगर हमारी बेल्ट छोटी बड़ी भी होगी तो हमारे इसमें इतना मार्जिन है, बाकी ये फिक्स यही आती है। जब इसको स्टिच करेंगे तब हम आपको एक बार दिखाएंगे भी। ये हमारा बेल्ट का निशान होगा, 2.5 इंची यहाँ लेंगे, 2.5 इंची से सीधा स्केल लाइन खींच दी, उसके बाद हमने ये 1.5 इंची उठा दिया और ये हमारा सीधा ही रहेगा, और फिर उसके बाद फिर डाउन पे जाएगा हल्का सा। तो जब हमारी ये प्लेट ऐसे भरी जाती है ये, तो ये हमारी गोलाई बन जाती है। जब हम इसको सिलते हैं तो हल्का सा कटिंग भी कर लेते हैं जब ज्यादा ये, और अब ये देखिए बेल्ट में देख रहे हो आप सीधापन आ रहा है क्योंकि हमने इसकी कटिंग की। अब हम इसकी जरा सी यहां से गोलाई और बना देंगे, और इसे हम ऐसे लगा। अब देखिए ब्लाउज की लंबाई, ये देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंची है और यहां से हमारा 1/2 इंची यहां चला जाएगा सिलाई में, ये चला गया। ब्लाउज हमारा पूरा तैयार, जब हमारी भी प्लेट भी भरेगी तो ये ब्लाउज पूरा तैयार 15 इंची ही आएगा। अभी हमने दिखाया यहां भी कवर होगा 1/2 इंची और यहाँ चला जाएगा, ये हमारा मार्जिन अभी हमने 2 इंची लिया था। अब हमारे पास इसमें सिर्फ 1 इंची एक्स्ट्रा है जो कि हमारी प्लेट भरी जाएंगी, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ये कुटका लगा दिया, और देखिए फ्रेंड्स कुटका हमें तैयार वाला ये भी लगाना है, बाकी तो ये सिर्फ हमने अंदाजे के लिए एक्स्ट्रा लिया है, पर हमारा देख लेना
जब हमारी ये सब प्लेट डल जाएगी तो हमारा कुटका यहीं आएगा। हमें अपने कुटके का निशान यही लगाना है और एक सेकंड जो हम लगाते ही हैं वो हमारा ये है। या तो ऐसे निशान लगा लीजिए या फिर गरारी होती है, गरारी से देखिए फ्रेंड्स, ये गरारी होती है, ये घूमती है, इससे भी हम ऐसे निशान लगाएंगे तो ये पीछे की तरफ हमारे निशान आ जाएंगे, क्योंकि हमें प्लेट एक जैसी भरनी होती है। ये देखिए, ये आ गए निशान। बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे, जो क्राफ्ट्समैन होंगे वो भी बनाएंगे तो इसको बहुत आराम से बना लेंगे। हमेशा ये चीज निशान ऐसे लगाना चाहिए, जब हम ऐसे ब्लाउज सिलते हैं ना ऐसे करके पकड़ते हैं तो ये जब हमें यूं पता रहता है कि जब हम सिलाई मारेंगे तो हमें कहाँ पे उतारनी है, तो इसलिए हमेशा ये वाला निशान भी लगाने जरूरी होते हैं। अभी हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई, बेल्ट भी कट गई, अब हम बैक कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम बैक रखते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, मतलब एक टिप्स समझा देते हैं। अभी हमने यहाँ से फ्रंट निकाला, अब हम जब बैक निकालेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वैसे फंसाने को हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं यूं करके, और हमारा कपड़ा भी बच जाएगा, अस्तर मतलब हमारी लाइनिंग कम लगेगी यूं ऐसे करके। तो ये लाइनिंग जितनी हम ऊपर को लेके जाएंगे उतना, एक तरीका तो ये होता है लाइनिंग बचाने का, और दूसरा ये होता है कि देखिए आजकल जो गले बनते हैं वो हमेशा पेपर फॉर्म पे बनते हैं, पेपर फॉर्म मतलब लाइनिंग पर चिपकाना पड़ता है, लाइनिंग को लेना पड़ता है, पहले की तरह नहीं है। ओरेब की पट्टी से फिनिशिंग कर दिया, उसमें कपड़ा कम चाहिए, लेकिन गले पलटने के लिए हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो यहीं से हमें अपना गले के लिए ये छोड़ देना चाहिए। मतलब गला अगर हमारा जैसे कि 7 इंची है या 7.5 इंची है, तो इसको हमें एक ध्यान में रखते हुए, गले का अपना एक ध्यान बनाते हुए, इसको यहाँ से एक चकोर पीस को छोड़ देना चाहिए, इसमें से हमारा फ्रंट निकल जाएगा। अभी हम बैक भी दिखाएंगे आपको, बैक के लिए भी बचता है। तो ये हमें छोड़ने के बाद जितना आए उतने पे हमें ये ऐसे बिछाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया इसमें, क्योंकि हमारी आगे की पट्टी लगेगी, पीछे बैक हमारा बंद है, तो ये एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया और बैक रख ली। अब यहां से हमने अपना गला निकाल लेंगे, मतलब गला चिपका लेंगे, और ये देखिए अब हमारी लंबाई कितनी है, 15 इंची। तो इसमें 15 इंची में हम आधा इंची ही प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक में कोई प्लेट वगैरह नहीं होती, सिर्फ एक ही प्लेट होती है, वो भी सीधी होती है तो वो घटती नहीं है। तो 15 इंची की लंबाई है, तो ये आ गई 15.5, और इस हमारा 1.5 इंची ये प्लस आ गया। फ्रंट हमारा वैसे भी थोड़ा सा लंबा लेना चाहिए, बैक हमारी फिक्स 15 इंची का ब्लाउज है तो 15 इंची तैयार आएगा, फ्रंट हमारा आधा इंची फिर भी बड़ा होना चाहिए, जो कि हमने एक्स्ट्रा लेके ही चले हैं। फ्रंट बैक के हिसाब से हमारी मुड़ाई होगी फ्रंट की, जब हम बैक पूरा सिलेंगे इसको मोड़ देंगे, उसके हिसाब से जो हमारा जहां जुड़ जाएगा हम उसको फ्रंट को मोड़ देंगे। तो ये अब हमारा आ गया 15.5 इंची और 1.5 इंची ये प्लस हो गया। अब हम तीरे का हिसाब वही निकालेंगे, इसमें 10 इंची का गला है तो हम इसे कम से कम, ज्यादा बाहर को नहीं लेंगे, इतना नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा गला फैल जाएगा, जितना हमारा गला डीप होता है उतना ये घटता चला जाता है ये चीज। ये वैसे भी तीरा भी मैंने इसमें घटा के चली हूँ, तो अब इसको भी हम बहुत ज्यादा बाहर को नहीं लेंगे, इसको भी हम थोड़ा अंदर को ही लेंगे, क्योंकि हमारा गला डीप है। आप देखिए मेन चीज यहां पर आ गई इसमें,
अब यहाँ ध्यान से देखना आपको, मैंने लंबाई का तो बता दिया आपको। अब हमें ये जब हमारी प्लेट डालते हैं तो ये हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसको हमें पीछे बैक में प्लेट नहीं लेनी, इसको इतना इंची मतलब ये जब हमारा ये निशान लगा है ये वाला, तो इससे करीब करीब जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना हमें ये अंदर लेने के बाद जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतने कम पे हमें ये कटिंग कर देनी है। ये मेन चीज है इसके अंदर बैक की कटिंग के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लिया हमने। और इसके कुटके का निशान इस कुटके के सामने लगा देंगे यहाँ, तो जब हमारी ये प्लेट भर जाएगी ये, तो ये हमारा इसके सामने आएगा ये यहाँ पे, और ये तैयार नाप आ जाएगा। और ना ही हमारा मुड्डा छोटा होगा। ये देखिए मैंने 41 बताया था आपको, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 41 ही आया, लेकिन जब हम ब्लाउज को खींचते हैं या ब्लाउज कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, कपड़े में लूजिंग ज्यादा है मतलब कपड़ा स्ट्रेचेबल भी होता है, तो ये कुटका कभी कभी यहाँ भी आ जाता है, तो ये हमारे कपड़े पे भी डिपेंड करता है। तो बाकी अभी फिलहाल में ये तैयार ना पाया, पर जब हम पूरा ब्लाउज सिलते हैं कच्चा करते हैं तब हम निशान लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, तो उसको हम ऐसे निशान लगाया चौक से और उसको पूरी फिटिंग दे दी। तो आपने देखा प्लेट का भी निशान लग गया, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ। ये देखे कहाँ आ रहा है, ये इसका फ्रंट का कुटका बड़ा है और बैक का कुटका छोटा है। इसे हमें बैक में लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ये हमेशा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आता है। बाकी जब ब्लाउज को नापेंगे तो ब्लाउज को हमेशा सिलने से पहले निशान वो फिटिंग बनाने से पहले जरूर नापना चाहिए। चार भागों में नपता है, चार हिस्से नपते हैं, फ्रंट बैक, फ्रंट के दो हिस्से ये होते हैं और दो हिस्से ये होते हैं, मतलब चार हिस्से होते हैं। चारों हिस्सों को बराबर लगा के निशान, तभी हमें यहाँ कुटके से कुटका जोड़ना चाहिए। कभी भी हमारा ब्लाउज पूरा सेंटर में रहता है, कभी भी आउट नहीं होगा। ये हमारी लंबाई का निशान लग गया कुटके का। अब हमने अपने प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट हमारी 10 इंची पे थी, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 4 इंची पे निशान लगाया और एक प्लेट का निशान लगा दिया। और देखिए एक चीज और बताती हूँ, जब भी हम ऐसी प्लेट डालेंगे तो हमेशा कभी भी ऐसे नहीं डालनी चाहिए प्लेट, हमेशा जितनी यहाँ उतनी ये चीज ऐसे डालनी चाहिए, मतलब पकड़ के जब हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं तो हमारा ये चीज टेढ़ी नहीं होगी, ये फिर हमारा ये सीधा ही होगा। तो जितना हमारा यहाँ निशान होता है उतना ही हमारा ये सामने ऐसे आना चाहिए। ये कुछ चीजें पॉइंट ऐसे हैं ब्लाउज को सिलने में जो कि जिन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो ये हमारा बैक फ्रंट कट गया, अब हम स्लीव्स कटिंग करके दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब अभी जब हम मैंने अभी आपको गला देखा एक फ्रंट के लिए, अब बैक का गला भी देखना यहीं से निकलेगा। ये हमने ऐसे फोल्ड कर दिया स्लीव्स के लिए है। ये स्लीव्स की लंबाई है 7 इंचेस। देखिए अब हम आपको बाजू का नाप बता देते हैं। ये हमारा बॉर्डर है जो हमारे स्लीव्स में लगेगा, बॉर्डर हमारा स्लीव्स में ही यूज होना है ये, तो इसलिए इसमें हम अपनी लंबाई जो है 1 इंची प्लस करेंगे। जैसे ब्लाउज की स्लीव की लंबाई 7 इंचेस है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके इसको 8 इंचेस करेंगे, मतलब आधा इंची हमारा यहाँ चला जाएगा और आधा इंची हमारा यहाँ चला जाएगा, तो इसलिए हम इसमें 1 इंची प्लस कर रहे हैं। अदरवाइज जब हम इसको तुरपाई वाला बनाते हैं तो आधा इंची प्लस करके 7.5 पे कटिंग कर देते हैं और 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेते हैं तुरपाई के लिए, लेकिन इसमें हमने 1 इंची ही प्लस किया है। और अब यहाँ पे पहले मैं अपने गले का हिसाब देख लेती हूँ। गला पीछे से 10.5 इंची का है। गला चिपकाने के लिए यही यूज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना होता है, कम से कम हमें 12 इंची जब हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे तो ये हमारा 12 होगा, इसलिए थोड़ा सा ब्लाउज को और हम हल्का सा स्लीव्स के लिए नीचे ले लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ से बैक के लिए ये गला निकल जाए चिपकाने के लिए। अभी देखना इसका भी मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा और नीचे ले लिया है स्पेशल, फिर गला मतलब गला चिपकाने के लिए कपड़ा नहीं ढूंढना पड़ता, इसी लाइनिंग में से ये वाले पार्ट हमारे यूज हो जाते हैं।
तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि बहुत ध्यान रखते हैं तो काफी मतलब आसानी हो जाती है। हमारे जो क्राफ्ट्समैन है उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, कपड़ा उन्हीं में से मिल जाता है, गला भी चिपक जाता है। अब ये मैंने थोड़ा सा नीचे लिया है ब्लाउज को क्योंकि गला डीप है, गला इसमें आराम से चिपक जाएगा। अब हमारा जो मुड्ढा है, मुड्ढा हमारा 18 इंची का है तो इसको हम हल्का सा कम थोड़ा सा सूत कम लेके ये निशान लगाया हमने और यहाँ पे ये हमने इसको 3.5 इंची पे गिराया ये। अब ये क्रॉस में जब आप देखोगे तो ये हमारा 18 इंची ये यहाँ पे आया है, मतलब इसको नाप के देख लो ये कितना आ रहा है, ये 18 इंची हमारा लिख रहा तो ये 18 इंची। अब ये देखिए इंची ये है, अब हमारा 12.5 इंची का ये मोहरी है। अब मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताती हूँ, आप बहुत ध्यान से देखना ये चीज कि हमारा मुड्ढा साइज के अकॉर्डिंग हल्का है या भारी है, ये यही हिसाब निकल जाएगा। देखिए बाजू की मोहरी, बाजू का जो मुड्ढा है जो आर्मोल है वो 18 इंचेस का है, 18 इंची का बाजू की मोहरी कितनी है 12.5। तो इसी से ये पता चलता है कि जो हमारा आर्मोल है वो साइज के अकॉर्डिंग बहुत हल्का है, मतलब कि ये अभी देखना इसको हम ऐसे निशान लगा रहे हैं, अदरवाइज इसका साइज के अकॉर्डिंग मुड्ढा कम से कम 20 इंची होना चाहिए था, 20 इंची हमारा मुड्ढा यहाँ हो। ये देखिए अगर हमारा साइज के हिसाब से कम 20 इंची का मुड्ढा ये होना चाहिए था और इसमें अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे तो हमारा बहुत क्रॉस बैठ रहा है ये, क्योंकि बाजू की जो मोहरी है वो बहुत ही कम है, ये बाजू की मोहरी भी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी। यदि हमारा मुड्ढा एवरेज में होगा तो बाजू की मोहरी भी कम नहीं होगी और यदि हमारा मुड्ढा हल्का है तो बाजू की मोहरी भी हल्की होगी, तो इसीलिए ये मुड्ढा हमारा हल्का है। यदि हम साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाया मुड्ढे का और मोहरी हमारी यहाँ है और इसको यदि हम बहुत क्रॉस में सिलाई लगा मतलब बनाएंगे ऐसे करके ये, तो ये इसी से पता चल जाता है कि ये क्रॉस में जाने से कि हमारा ब्रेस्ट के हिसाब से हमारा मुड्ढा हल्का है। तो ये देखा आपने, मैंने मुड्ढा कम पे निशान लगाया और बाजू की मोहरी 12.5 है। अदरवाइज आप भी खुद कमेंट बॉक्स में बताना कि साइज अगर 43 है तो क्या बाजू की मोहरी 12.5 होगी, नहीं होगी, बाजू की मोहरी कम से कम साइज के हिसाब से कम 14 इंचेस की मोहरी होनी चाहिए थी। ये वाली चीज आपको कोई भी ज्यादातर नहीं बताएगा, कोई भी इस तरह के टिप्स नहीं बताएगा, अदरवाइज ये साइज के हिसाब से इसका 20 इंची मुड्ढा जो मास्टर जी अक्सर निकालते हैं कि वो मुड्ढा कभी नहीं देखते हैं, वो साइज के हिसाब से मुड्ढा बनाते हैं और कटिंग कर देते हैं, पर ये कभी कभी किसी किसी क्लाइंट का ऐसा मुड्ढा आता है या तो साइज के हिसाब से बहुत हल्का होगा या साइज के हिसाब से मुड्ढा बहुत भारी होगा। अब इनका साइज के हिसाब से मुड्ढा बहुत हल्का है, इनकी बाजू की मोहरी भी हल्की है, अदरवाइज आप भी इंक्वायरी निकाल सकते हो 43 के हिसाब से कम 14 इंचेस की मोहरी होनी चाहिए थी और इनकी मोहरी 12.5 ही है, बाइसेप 14.5 है, जिसमें कि हमारी बाइसेप 14.5 नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए थी, इनकी मोहरी ही ये होती, पर ये मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, मुझे पता है कि इनका मुड्ढा बहुत हल्का रहता है, मैं एक बार नहीं उनका मुड्ढे कई बार नाप चुकी हूँ, मेजरमेंट मैं ही लेती हूँ, इसलिए मुझे ये चीज पता है, इसीलिए इनका साइज के अकॉर्डिंग मुड्ढा हल्का है, इनकी बाजू की मोहरी भी हल्की है, इसीलिए ये मैंने मुड्ढा हल्का लिया है और इसीलिए मैंने मुड्ढा 7 इंची की बजाय 6.25 पे गिराया, कम पे मुड्ढा गिराया। जब हमारा मुड्ढा साइज के हिसाब से हल्का होता है तो हमें मुड्ढा ऊपर को लेना चाहिए, यदि मुड्ढा साइज के हिसाब से भारी है तो जो एवरेज मुड्ढा निकालते हैं उससे नीचे लेना चाहिए। मुड्ढा बड़ा भी हो सकता है, मुड्ढा छोटा भी हो सकता है, मुड्ढा एवरेज में भी होगा। एवरेज मुड्ढे हमारे हमेशा 70% निकलते हैं और बाकी साइज के अकॉर्डिंग अनइवन नाप जो होंगे वो कोई कोई होंगे जिनको हमें ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी होती है। तो ये अब हमने अपना 18 इंचेस का नाप बनाया ये, और ये मोहरी निकाली और ये देखिए ये बिल्कुल इसके सही पॉइंट में आ रही है, ये इतना ही हमारा हमेशा अंतर आता है, 1-1.5 इंची का इसके अंतर यहाँ से चलता है, सीधा ही निशान लगाइए, ये देखिए 1.5 से 2 इंची का निशान है, मतलब हमारा जो ये फर्क आता है ना, ये वाला जो फर्क होता है ये 1.5 से 2 इंची का अंतर होना चाहिए, इसमें कभी भी इतना क्रॉस नहीं लगना चाहिए, यदि इतना क्रॉस लगा या तो हमारी बाजू की मोहरी कम है
मुंह बाजू की मोहरी बढ़ा दो यदि हमारा मुड्ढा पूरा आ रहा है तो। फिर के दोबारा कस्टमर का नाप लीजिए, फिर के मुड्ढा चेक करिए या फिर उनकी मोहरी चेक कीजिए कि मोहरी तो हल्की, मोहरी तो हमने गलत नहीं नापी। यदि मोहरी भी कम आ रही है, मुड्ढा भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा साइज के हिसाब से मुड्ढा कम है। और यदि ऐसे आए सीधा आए तो भी गलत है, फिर इसका मतलब हमारा मुड्ढा बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं है, मुड्ढा बड़ा है पर हम उससे छोटे भी नहीं। मान लिया इसकी मोहरी यहाँ पे 14 इंची होती, ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देखिए ये 14 इंची की मोहरी होती यदि, और ये मुड्ढा मैं 18 पे निशान लगा रही हूँ, तो ये यहां से यू निशान लगता तो ये बिल्कुल सीधा हो रहा था। सीधा होने से क्या हो रहा था कि बाजू या तो मैंने मुड्ढा छोटा नाप लिया, या तो मैंने मुड्ढा छोटा नाप लिया या फिर मैंने बाजू की मोहरी ज्यादा नाप ली। तो ये जब हमारे क्लाइंट पहनेंगे तब आप इसका जरूर आइडिया निकाल सकते हो कि इसकी मोहरी। अभी देखिए ये ब्लाउज है, आप इसको ध्यान से देखिए और जब मेरे क्लाइंट आएंगे इसे पहन के दिखाएंगे तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इसके बाजू की मोहरी कितनी है और ये क्लाइंट के कैसे आया है। बॉर्डर है इसमें और ये ब्राउन कलर का ब्लाउज है। तो ये हमने अभी आपको एक अंदाजा बताया कि एक अंदाजा ले लीजिए थोड़ा सा कम लगा के, फिर इसको क्रॉस करिए 3.5 पे गिराइए और इसकी कटिंग कर दीजिए। ये सेंटर का कुटका लगाया, ये फिटिंग का कुटका लगाया। ये फ्रंट की कटिंग कर दी क्योंकि फ्रंट हमेशा गहरा कटता है। ये देखिए ये हमेशा आइस की तरह ही इसकी कटिंग होनी चाहिए। तो ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई और अभी जब इसका पूरा मतलब ब्लाउज सिलेगा तब आप खुद देखना कि इसका मुड्ढा बिल्कुल सही चढ़ेगा, ये बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा ना ही बड़ा होगा ये यहाँ पे जब हमारा मुड्ढा चढ़ेगा। नहीं तो ब्लाउज का मुड्ढा बड़ा हो जाता है अक्सर और बाजू का मुड्ढा छोटा। अब ये देखिए मैं आपको जो दिखा रही थी ये हमारा यहाँ से ये हमने कटिंग कर ली, यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के इसका गला, इसमें जब हम पेपर फॉर्म से जो गले बनाते हैं वो गले हम यहाँ पे चिपका देंगे। तो हमारे गले की देखिए गोल गला है, तो गोल गला 10.5 इंची का है तो हमारा गोल गला आराम से यहाँ से बन गया। बैक का, फ्रंट का जो मैंने आपको भी बताया था, ये ऐसे नुस्खे हैं जो कि कभी भी कोई कपड़ा ढूंढना नहीं पड़ता गला चिपकाने के लिए। ये देखिए ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें से हम 7 इंची का गला आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि मैं अपने मास्टर जी को भी बोलती हूँ कि ये सब चीजें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, बट सब मास्टर थोड़ा सा कभी कभी अपनी मर्जी का भी काम करते हैं, उनको हमें तो अपना ये रहता है कि लाइनिंग का भी बचाव करना है। ये देखिए पेपर फॉर्म पे जब चिपकेगा गला बनेगी, फिनिशिंग होगी, एक गला इसमें से चिपक जाएगा, एक गला इसमें से चिपक जाएगा और ब्लाउज पूरा उतना ही 80 सेंटीमीटर में से हमारा ब्लाउज कटिंग हुआ है। ये कैमरिक होती है, लाइनिंग हमारी अपनी बुटीक की है जो कि हम अपने ब्लाउजों में भी यूज करते हैं, सूटों में भी यूज करते हैं। अब हम इसका मेन कपड़े का कटिंग करके दिखाते हैं आपको। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये कटिंग कैसी लगी, मतलब इसमें आज मैंने 3-4 चीजें आपको नुस्खे बताए, मुड्ढे का भी बताया, बेल्ट भी बताई, गले कपड़ा भी बचाना बताया कि लाइनिंग कैसे बचाते हैं, गरारी वाला औजार भी बताया कि ये गरारी होती है इससे निशान उठ जाते हैं। सिर्फ खाली कटिंग ही नहीं बताई, कई सारे पॉइंट इसके अंदर हमने बताए। इस बुटीक में यही वाली प्रेस यूज होती है। अब देखिए हमने इस कपड़े को भी बहुत अच्छे से प्रेस कर दिया है। कभी भी ब्लाउज हो सूट हो प्रेस का यूज बहुत करना चाहिए अगर हमें कपड़े बहुत फिनिशिंग से बनाने हैं तो। और आपको भी पता है जो बुटीक में होते हैं वो पूरे फिनिशिंग से कपड़े लेते हैं। ये हमने फोल्ड कर लिया,
ये भी हम उसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की थी।